समाज में बढ़ते हुए अपराधों को लेकर लोगों का चिंताजनक होना लाजमी है। इसी बीच आज हम बात करेंगे झारखंड के पलामू जिले की, जहां के हुसैनाबाद के SDPO जितेंद्र कुमार को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया है। समाज सेवी अजहर अली उर्फ चिंटू ने SDPO अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से अनुरोध किया कि हुसैनाबाद को अपराध से मुक्त करने के लिए हर संभव कोशिश जो उनके द्वारा की गई है वह सराहनीय है और भविष्य में भी इस कोशिश की आशा वह रखते हैं। न्याय की उम्मीद लेकर उन्हें आश्वासन दिया गया है कि कसूरवार कोई बचे ना और निर्दोष कोई भी व्यक्ति फंसे ना। अजहर अली उर्फ चिंटू ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जितेंद्र कुमार के पास एक प्रस्ताव रखा और कहा गया कि हुसैनाबाद को अपराध मुक्त बनाने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे सभी कार्य सराहनीय है और पूरे क्षेत्र में इस बात को लेकर चर्चाएं भी की जा रही है। यही उम्मीद वह भविष्य में भी करते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से समाज में रहने वाले लोगों को सुख और शांति मिलेगी। जहां एक तरफ कोरोना का दंश पूरी दुनिया झेल रही है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति से भी लोग परेशान हैं। इस बीच यदि अपराध बढ़ते जाएंगे तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को लेकर समाजसेवी अजहर अली उर्फ चिंटू, जो कि हमेशा तत्पर नजर आते हैं, उन्होंने हुसैनाबाद के SDPO का सम्मान किया है। जितेंद्र कुमार सम्मान पाने के बाद काफी खुश नजर आए और उन्होंने एक जोश के साथ लोगों की रक्षा करने की जिम्मेवारी अपने कंधों पर ली। आपको बता दें, इस अवसर पर समाजसेवी अजहर अली उर्फ चिंटू जी के साथ धनंजय तिवारी, कांग्रेस वरिष्ठ नेता समाजसेवी राजू खान, प्रखंड कांग्रेस कमेटी हैदरनगर के अध्यक्ष गुप्तेश्वर पांडे उपस्थित रहे। इस अवसर पर काफी सारे पदाधिकारीगण और सदस्य भी मौजूद रहे। आज जो आपका जितेंद्र कुमार DSP साहब SDPO से बात हुआ, मुलाकात हुआ, तो आपने किस समस्या को लेकर उनसे मुलाकात किया? मैं हुसैनाबाद SDPO से मुलाकात आज जो किया वो औपचारिक मुलाकात थी और कुछ जन समस्याओं को लेकर मुलाकात हमने की और उन्हें सिर्फ हुसैनाबाद की जन समस्याओं से अवगत कराया और हमने उन्हें बधाई दिया, स्वागत किया हुसैनाबाद में उनका और हम लोग उनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि वो हुसैनाबाद को अपराध मुक्त बनाएंगे। ये मेरी आशाएं हैं और उन पर यकीन भरोसा है कि हमारा हुसैनाबाद अपराध मुक्त होगा। तो आपको SDPO ने क्या आश्वासन दिया आज? SDPO साहब से मुलाकात के बाद मुझे लगा जी ये न्याय की हमें उम्मीद लगी। अच्छा। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया तमाम लोगों को कि आप हम पर यकीन कीजिए कि मैं इस हुसैनाबाद को अपराध मुक्त रखूँगा और बिल्कुल इस हुसैनाबाद में सौहार्द बना रहेगा, अमन और चैन और शांति बनी रहेगी। SDPO साहब ने हम लोगों को यह आश्वासन दिया। हमें यकीन है कि जो SDPO साहब ने कहा वो मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है और हमने एक बात उनसे कही कि एक भी दोषी बचे नहीं और निर्दोष कोई हुसैनाबाद में फंसे नहीं, ये हमारी मांग है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए दानिश आलम की रिपोर्ट, हुसैनाबाद, झारखंड। खबर है झारखंड के लातेहार से, जहां पर पलामू जिले के पांकी से 6 युवक हेरहंज प्रखंड के इनादू स्थित गांव में डाटन पाटन झील में घूमने आए थे। इसी बीच झील में नहाने लगे, एक युवक सदक सिद्दीकी पानी की गहराई में डूब गया। उनके बाकी के 5 साथियों युवक को बचाने की पूरी कोशिश की किंतु असफल रहे। हालात को देखते हुए किसी तरह बाकी युवकों ने सदक सिद्दीकी के परिवार को खबर कर उन्हें घटना स्थल पर बुलाया। युवक के परिजन ने नजदीकी पुलिस स्टेशन हेरहंज थाना को खबर किया। खबर मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची एवं नजदीकी ग्रामीणों के लोगों की भी काफी भीड़ एकत्रित हो गई। ग्रामीणों के पुरजोर कोशिश के बाद भी शव का पता नहीं चला। इस बीच हेरहंज प्रखंड के कांग्रेस अध्यक्ष लाडले खान को घटना की खबर मिली और खबर मिलते ही लाडले खान घटना स्थल पर पहुंचे और अपने माध्यम से चौपारण से गोताखोर को बुलाया। बहुत कोशिश के बाद घटना के दूसरे दिन शव मिली और हेरहंज थाना के तरफ से कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई तथा शव को उनके परिजनों को सौंप दिया। मेरा नाम समीद आलम है, जो डूबा उसका नाम सदफ आलम था। हम लोग दोस्त हैं और हम लोग यहाँ पे घूमने आए थे और हम लोग यहाँ पे नहा रहे थे, इतने पानी में पैर फिसला वहाँ पे और पिंटू एक और सदफ जो थे जो डूब रहे थे, तो वो डूब रहा था। मैं उसको बचाने के चक्कर, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सदफ डूब रहा है, मैं पिंटू को बचाने के चक्कर में उधर उसको धक्का दे के उस पार किया और जब उधर तक निकला उसको निकाला तो पता चला कि वो सदफ भी डूब गया।
पांकी से। तो मैं थोड़ा बहुत तैरना जानता हूँ, फरीद मेरा एक दोस्त है ये, जिसको थोड़ा बहुत इसे भी तैरना आता है, तो मैं थोड़ा बहुत तैरना आता है, तो मैं उसको पिंटू को, वो मेरे कंधे पे था तो वो मुझे भी पकड़, मतलब वो डूब रहा था तो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर अब वो थोड़ा सा पानी वानी पी रहा था तो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर मैं उसको ऐसा धक्का देके पार कर दिया मैंने। और हाँ, थोड़ा बहुत तैरना आता है मुझे, और सदफ़ के बारे में मुझे आइडिया भी नहीं था कि वो डूब रहा है, मैं उसको बचाने के चक्कर में था तो मेरा ध्यान था ही नहीं था। और तैरने जा उसे तैरना नहीं आता था, सदफ को तैरना नहीं आता। हम लोग आए हैं राखी एनडीआरएफ से। आप लोग एनडीआरएफ टीम से आए? नहीं नहीं, आप लोग कहाँ से आए सर? हम लोग ग्राम चैन दरगाह से आए हुए हैं। आप लोग जो लास्ट निकालने की कोशिश किए हैं, कितना टाइम से घुसे हुए थे तालाब में? जो हम लोग 2 बजे से घुसे हैं तो अभी लास्ट को बरामद किए हैं। कैसो नहीं जी बोलिए, 12 बजे से हम लोग जो घुसे हैं जी जी, अभी लास्ट को हम लोग बरामद किए हैं। ये कौन सा जगह है भाई, आप लोग बता दे। दातम पातम। आप लोग 12 बजे घुसे इसमें झरना में, जो चाय कला पंचायत चौपारण प्रखंड से डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग से आए हुए हैं, और हम लोग 12 बजे हमारी टीम घुसी है और ये लाश निकालने का। मतलब भाई कैसो ना कैसो रूप होगा, कैसो नहीं आप मतलब भाई आप कैसो ना चौपारण थाना से आए हुए हैं? हम लोग चौपारण थाना से पूरा गोताखोर को चायकला पंचायत से लेकर नमीना हमारे लोग और लाडले खान साहब फोन हम लोगों ने किए प्रशासन के द्वारा बात करने के बाद जी जी, उसके बाद लेकर के आए, हम लोगों ने मेहनत की है, हमारे गोताखोर लोग बांस से पूरा मुँह के बल गिरे हुए, अब मुंह के बल थे ये बात, मतलब बहुत कदो कावेज के साथ आप लोगों ने लाश को बरामद किया पूरा जी जी। आप लोग कौन कौन आदमी टीम में से आए? ये हमारे यहाँ पे नमीना बगुना है, बतीउल्ला साहब हमारे कांग्रेस पार्टी का है जी जी जी, जकाउल्ला साहब है। T1 इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद अरवाज की रिपोर्ट, लातेहर झारखंड। झारखंड के राजधानी रांची में समाज सेवक विनोद सिंह के नेतृत्व में कोरोना महामारी देखते हुए जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है, हम लोग प्रतिदिन गरीब असहाय लोगों को मदद दे रहे हैं। यह कार्यक्रम लालू आहार के नाम से खाद्य सामग्री वितरण किया जा रहा है, जबकि विनोद कुमार सिंह समाज सेवी वरिष्ठ नेता मीडिया से बातचीत करते वक्त उन्होंने बताया कि हमारा मिशन है कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न रहे, भूखा न सोए। जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक लालू आहार खाद्य सामग्री वितरण किया जाएगा। नामकुम के रेलवे स्टेशन संकट मोचन मंदिर प्रांगण रांची में खाद्य सामग्री वितरण किया गया है। लगातार आप भोजन वितरण कर रहे हैं, गरीबों में आटा बांट रहे हैं, कब से आप कर रहे हैं? और ये लॉकडाउन का शुरू के दिन से आज तक हम लोग रोजाना लालू आहार के नाम से जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराते आ रहे हैं, और ये जब तक कोरोना काल रहेगा और हम लोग अपना कार्यक्रम को जारी रखेंगे। लालू जी के नाम पे हमारी जो आस्था है उसी के नाम से मैं समाज सेवा करता हूँ और हमेशा इसी में लगा रहता हूँ। लालू जी कहते हैं कि गरीबों को मदद करने से पुण्य मिलता है, क्या इस पर क्या? पुण्य तो मिलता ही है। आज जो भी लालू जी एक गरीब परिवार से उठे, आज मुख्यमंत्री रहे, आज सब रहे, इन्हीं का देन है गरीब को सेवा करना, और इसीलिए उनको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। लालू जी को गरीब का सेवा करने से तो आशीर्वाद मिलेगा, और हर एक आदमी को ये ध्यान रहे कि हमारे घर के आसपास कोई भूखा ना सो, भूखा ना रहे, इसका पूरा ख्याल आदमी को रखना चाहिए। और लालू जी की जो प्रेरणा है मुझे मिलती है, इसीलिए हम लोग काम करते हैं। नाम परिचय बता देंगे? विनोद सिंह, पूर्व महासचिव राजद और समाज से। T1 इंडिया न्यूज के लिए दानिश आलम की रिपोर्ट, रांची झारखंड।
खबर झारखंड के टंडवा से, जहां लाइफलाइन गेरुआ पुल पर क्षमता से अधिक लोड ट्रक हाइवा मालवाहक वाहनों के आवागमन से पुल वर्षों से जर्जर था। 13 मार्च की सुबह एक सिंहवासनी बस और एक मोटरसाइकिल के गुजरने के दौरान पुल का एक बड़ा हिस्सा धंसकर मोटरसाइकिल के साथ नीचे लटक गया था। इसके बाद इस पुल से वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर स्थानीय विधायक किशन कुमार दास के पहले पहल पर एनटीपीसी और सीसीएल ने कच्चा डायवर्जन बनाकर आवागमन शुरू किया। 13 मार्च को वह डायवर्जन को तकनीकी मापदंडों को नजरअंदाज कर जैसे तैसे बनाकर एनटीपीसी और 13 मार्च को इस बड़े डायवर्जन को तकनीकी मापदंडों को नजरअंदाज कर जैसे तैसे बनाकर एनटीपीसी और सीसीएल ने अपनी जिम्मेवारी खत्म कर दी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें, रूट बदलकर वाहनों का आवागमन किया जा रहा है। डायवर्जन अब लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। संवाददाता मोहम्मद हिलाल लकी की इस रिपोर्ट में जानिए विस्तृत जानकारी। आज हम दूसरी बार जनता से रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 4 महीना पूर्व टंडवा प्रखंड मुख्यालय का जो जिला मुख्यालय से सड़क को जोड़ती थी वह पुल अत्यधिक बारिश में धराशायी हो गया था और इसको बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, माननीय मंत्री झारखंड सरकार और सरकार के सचिव से हमने लगातार वार्ता किया और उनसे मांग किया कि अविलंब पुल को बनाया जाए, लेकिन सरकार के द्वारा मुझे आश्वस्त किया गया था कि फिलहाल डीपीआर नहीं बन पा रहा है, वो रेट वगैरह के पीएम में, तो हम एक काम चलाओ डायवर्सन का निर्माण कराएंगे, लेकिन वो भी 4 महीना हो गया, फाइल सरकार के पास पड़ी है, सरकार के अधिकारियों को, सरकार के मंत्री को इतना फुर्सत भी नहीं है कि जो प्रखंड पूरे झारखंड में सर्वाधिक राजस्व देता हो उस प्रखंड की जनता का सुधि लेने वाला यह सरकार नहीं है। इसीलिए सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से, चतरा जिला की जनता की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि यहाँ से अभी जो मगधम पाली पोल परियोजना है 1500 करोड़ का यहाँ बिजनेस किया है, शुद्ध मुनाफा हुआ है, तो क्या 2 करोड़ का डायवर्सन नहीं बन सकता है? झारखंड सरकार निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रही है, यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। हम पुनः इस वीडियो के माध्यम से सरकार को, सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं और अविलंब डायवर्सन रोड और पुलिया बनाने का मांग करते हैं। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं बनाती है इस योजना को, तो एक पल भी सरकार में बने रहने का कोई औचित्य। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद हिलाल लकी की रिपोर्ट, चतरा झारखंड।